अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। ख्वाब में खुद को कब्रिस्तान में देखना कैसा होता है, या कब्रिस्तान में जाना, कब्रिस्तान देखना, या इसी तरीके पर कब्रिस्तान में हंसना, ये और इससे मुतालिक चंद ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश करने वाला हूँ। पहला ख्वाब है ख्वाब में कब्रिस्तान देखना। अगर किसी ने अपने ख्वाब में कब्रिस्तान देखा है तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को कोई टेंशन फिक्र लाहिक होगी, कोई परेशानी इसके ऊपर नाजिल होगी। यानी ये ख्वाब देखने वाले के लिए अच्छा नहीं है। कब्रिस्तान देखना ख्वाब में अच्छा नहीं होता है। दूसरा ख्वाब है काफिरों का कब्रिस्तान, यानी जिसको हमारे यहाँ शमशान घाट बोलते हैं, शमशान घाट काफिरों का कब्रिस्तान ख्वाब में देखना कैसा होता है। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला दीनी एतबार से कमज़ोर होगा और इसी तरीके पर दीन में उसको शकूक और शुबहात डाउट्स होंगे। यानी जिस दीन को यानी इस्लाम को फॉलो करने वाला है तो इस्लाम के ताल्लुक से उसको शकूक और शुबहात और डाउट्स होंगे, ये ख्वाब भी अच्छा नहीं है। किसी को इस्लाम ही में शक और शुबह होने लगें तो फिर उसके मुसलमान होने का मतलब कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए काफिरों का कब्रिस्तान और शमशान घाट देखना भी ख्वाब में अच्छा नहीं होता है। अगर कोई इस तरीके का ख्वाब देखे तो अल्लाह ताला से अपने लिए आफ़ियत की दुआ करें और ऐसे बदतरीन और बुरे ख्वाबों के शर से बचने के लिए सदक़े का अहतमाम ज़रूर करें। नंबर तीन, ख़ुद को कब्रिस्तान में देखना। किसी ने ख्वाब में अपने आप को कब्रिस्तान में देखा है तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी ऐसे मामले में फंसेगा जिससे लोग इबरत पाएंगे, किसी ऐसे काम में, किसी ऐसे कर्म में गिरफ्तार होगा कि लोग इसको देखकर के इबरत पाएंगे और रिश्तेदार और ताल्लुक वाले इससे दूरी बनाएंगे। यानी इससे वो ताल्लुकात का जो कनेक्शन है, रिश्तेदारी का जो कनेक्शन है, वो इससे ख़त्म कर लेंगे और इसको अपने लिए इबरत का सामान बनाएंगे। जो गलती, जो खामी, जो लग्जिश इससे हुई होगी वो कभी भी उसकी जानिब नहीं जाएंगे। नंबर चार, कब्रिस्तान में जाना। किसी ने ख्वाब में अपने आप को देखा कि वो कब्रिस्तान में गया है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले के दिली मकासिद, दिली आरजू और तमन्ना पूरी होंगी, खुशखबरी पाएगा। और अगर यही ख्वाब कोई बीमार देखे कि वो कब्रिस्तान में गया है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि वो बीमार सेहत और शिफा पाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। नंबर पाँच, कब्रिस्तान में हंसना। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कब्रिस्तान में गया और कब्रिस्तान में हंस रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले का बुरे लोगों में, गंदे लोगों में, जो समाज और माशरे के एतबार से इज़्ज़तदार नहीं समझे जाते, ऐसे लोगों में शुमार होगा। दोस्तों, ये हमने आप हजरात की खिदमत में कब्रिस्तान से मुतालिक पाँच ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए आप हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिखते हुए फ्राइडे का वेट करें। इंशाअल्लाह फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान की जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।